नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मंग बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमलता। आइए नजर डालते हैं आज की ब्लू मिनिक सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में पूजा कुमारी समेत दो अन्य बने टॉपर। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कुल मिलाकर 78.18% छात्रा सफल हुए हैं। वही इस बार की परीक्षा में जमुई की पूजा रोहतास के संदीप के साथ साथ सुल्तान टॉप अट रही है। इन तीनों छात्रों को परीक्षा में 96.08% अंक प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार टॉप 10 छात्रों में कुल मिलाकर 101 छात्र को जगह पाने में सफलता मिली है। यह आंकड़ा साल 2020 में मात्र 41% छात्रों को ही रहा था। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी अधूरे वेतन पुनरीक्षण अधिसूचना को लेकर ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में आकमई 2 दिन हड़ताल करेंगे। 1 लाख ग्रामीण बैंक कर्मी अधूरे वेतन पुनरीक्षण को लेकर है आक्रोश। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी अधूरे वेतन पुनरीक्षण सूचना को लेकर ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश। पिछले 4 महीनों से वेतन बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने 7 अप्रैल को विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी अधूरे वेतन पुनरीक्षण अधिसूचना को लेकर ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव BN त्रिवेदी ने बताया कि 31 जनवरी 2001 को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में लागू द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौता ग्रामीण बैंकों में भी लागू होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर 2017 से बकाये वेतन को भुगतान 9 महीने बाद करने और सुविधाओं को प्रायोजक बैंकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। सीमांचल के जिलों में 9 बजे हिली धरती। मुंगेर भागलपुर के साथ पटना में भी महसूस हुआ भूकंप। ठीक 50 दिनों के बाद बिहार की धरती एक बार फिर से कांपी है। उत्तरी बिहार के कई जिलों और सीमांचल के इलाकों में रात 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 25 किलोमीटर पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस वजह से बिहार के पूर्वोत्तर जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया आदि जिलों में भूकंप महसूस किया गया है। मध्य बिहार में गंगा के तटवर्ती जिलों मुंगेर, औरंगाबाद और भागलपुर में भी लोगों ने भूकंप महसूस किया है। राजधानी पटना में भी कई लोग भूकंप का हल्का झटका लगने की बात कर रहे हैं। सीएम बोले, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, मामले का होगा स्पिरिट ट्रायल, पीड़ित परिजनों को मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मधुबनी हत्याकांड के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सबका स्पीडी ट्रायल होगा, कोई किसी का मर्डर करके बच सकता है क्या? पीड़ित परिजनों को नियम के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। साबिर हुसैन ने कहा, सरकार ने सट्टेबाजी पर बैन लगाकर सही किया, इसे लीगल करने से मैच फिक्सिंग का खतरा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साबिर हुसैन सेखदम खांडवाला को एंटी करप्शन यूनिट का नया चीफ नियुक्त किया गया है। साबिर अब आईपीएल समेत भारतीय क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करेंगे। उनका मानना है कि सरकार ने क्रिकेट में सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाकर सही किया है, सट्टेबाजी को लीगल करने से मैच फिक्सिंग बढ़ सकती है। इसी तरह के अपडेटेड खबरों के लिए बने रहे लाइव लॉन्ग बिहार के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।